आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इंस्टेंट व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं ये इसमें मैंने बताया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ले लेके एक कप पास्ता, इसे पानी को बॉईल करके उसमें डाल दे, थोड़ा सा नमक और तेल डाल के इसे उबाल देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये चिपचिपा बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पास्ता अच्छे से उबल चुका है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे ये 80% तक अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तुरंत ही छान लेंगे, और छानने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी जल्दी से डाल दें ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसे अलग से बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने, अब इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम ऐसे खिले खिले लग रहे हैं ना, बिल्कुल भी यहाँ पे ये पास्ता एक दूसरे से चिपका नहीं है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस इस तरह से आपको इसे 80% तक ही कुक कर लेना है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे रखा है एक पैन और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। तो यहाँ पे अब हम सब्जियों को पहले फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले बटर को अच्छे से मेल्ट होने दें और फिर उसके बाद डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे 5-6 लहसुन की कलियाँ मैंने इस तरह से काट के इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे बटर के साथ। तो यहाँ पे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए या फिर ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इसे भून लें। उसके बाद डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे प्याज को भी आपको पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ज़्यादा इसे हमें रोस्ट नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो पहले हमने यहाँ पे प्याज को भून लिया है, अब हम डाल देंगे बाकी की सब्जियाँ। तो इसमें आप सब्जियाँ अपने पसंद से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये शिमला, यहाँ पे ये रेड पेपर और ये कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही और फिर इसमें डाल दिया है। इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे, आप चाहे तो टॉस भी कर सकते हैं। तो सब्जियों में आप अपने पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, आप चिकन मशरूम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो अब इसमें डाल देंगे हम नमक, चिली फ्लेक्स और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिक्स अप, आप ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा के साथ जो भी सीजनिंग वगैरह होता है ना वो इसमें डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो पूरा प्रोसेस होने तक मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को ऐसे मैं एक बार टॉस कर लेती हूँ, इससे जो सब्जियों में क्रंच भी रहेगा अच्छे से और सब्जियाँ सॉफ्ट भी नहीं होगी। तो अब इसे साइड में रख के चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 टेबल स्पून बटर, इसे हम मेल्ट होने देंगे। अब हमें बनाना है व्हाइट सॉस। तो यहाँ पे पास्ता के लिए जो सॉस बनता है ना उसके लिए हम ले लेंगे मैदा। तो जितना बटर उतना ही मैदा मैंने लिया है। तो इसे हम तो यहाँ पर इस वक्त गैस की फ्लेम को लो या फिर मीडियम रखेंगे और फिर इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, बिना रुके आप इसे इस तरह से मिलाते जाए। और जब इसमें से झाग निकलने लगे या फिर इसका कलर चेंज होने लगे तब तक हमें इसे पका लेना है। इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करते जाए जब तक कि ये स्मूथ ना बनने लगे। ये देखिए अब निकल रहा है इससे झाग, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें दूध। तो दूध मैंने पहले से उबाल के रखा है, आप भी पहले से ही गर्म दूध साइड में रख दें ताकि बाद में इसमें जल्दी से डाल सके। तो अब यहाँ पे 1 कप पास्ता के लिए सॉस बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप दूध। तो यहाँ पर मैं उबला हुआ दूध डाल दूंगी मलाई के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है, आप अलग से मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि इसमें लम्स हमें नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और फिर इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जैसे हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ये इस तरह से स्मूथ बन जाएगा। तो 4 से 5 मिनट इसमें लग सकते हैं आपको। तो यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी होने तक हमें इसे पका लेना है। तो अब इसमें डाल देंगे चीज़। तो यहाँ पे चीज़ आप अपने पसंद से या फिर आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ना फ्रिज में रखा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो मुझे हाथों से निकाल के थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ रहा है।
तो अब इसे मिला देंगे। और मिलाते वक्त अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉस जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होता जाएगा ये सॉस और भी स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि चीज़ गर्म होगा तो वो मेल्ट भी होगा। थोड़ा सा और चीज़ डाल दिया मैंने, चीज़ यहाँ पे बिल्कुल दिल खोल के डाले, कंजूसी नहीं करनी है हमें, चीज़ से ही इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और सॉस एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए स्पून के ऊपर इस तरह से कोटिंग आने लगेगी, आप देख सकते हैं, मतलब कि आपका सॉस परफेक्टली कुक हो चुका है, कंसिस्टेंसी इसकी एकदम सही से बनी है। तो यहाँ पर अब डाल देंगे हम पास्ता जो कि पहले से बॉईल करके रखा है। मैं क्या करती हूँ कि इस सॉस में पहले से पास्ता या फिर जो मैक्रोनी वगैरह यूज़ करते हैं हम पास्ता बनाने के लिए, वो पहले से डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो पास्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, और अगर व्हाइट सॉस में बनाते हैं तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। तो अब डाल देंगे यहाँ पर सीजनिंग, तो मिक्स हर्ब डाला मैंने, बाद में डाल देंगे चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे या फिर आप कूट के भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और आप डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर अच्छे से मिक्स कर दें। ऑलरेडी सब कुछ हमने पहले से रेडी कर भी लिया है, सब्जियां भी रेडी है, तो बस इसमें सब्जियां डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो चुका है या गाढ़ा हो चुका है तो आप इसमें एक कप गर्म दूध डाल दें और फिर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी अब डाल देती हूँ मैं, और यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो मैंने साइड में पहले से दूध रखा था, तो मैंने इसमें एक कप दूध डाला है, आप देख सकते हैं कि ड्राई था और अब ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद बस इसे एक मिनट तक चला दे और फिर गर्मा गर्म सर्व कर दे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए गर्मा गर्म सर्व करें, ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके रखें।